नमस्कार, परफेक्ट पिक्चर चैनल में आपका स्वागत है। आजकल फोटोग्राफर सभी हैं, स्मार्टफोन है सबके पास, और मेरी अपेक्षा भी है कि सब लोग फोटो खींचें और मुझे किसी एक विशेष टॉपिक पर पिक्चर करके मुझे देते भी रहें। मैं इस चैनल के माध्यम से आपकी तस्वीरों को अपने दर्शकों के सामने रखता रहूँगा। हाल ही में एक वरिष्ठ पत्रकार, रिटायर्ड जर्नलिस्ट, घूमने गए। एक बार साउथ इंडिया गए और एक बार जयपुर गए। उन्होंने कुछ तस्वीरें खींचा और उन्होंने मुझे बताया कि ऐसी ऐसी तस्वीरें खींचा और इसके तस्वीरों के पीछे की कहानी उन्होंने समझाया। मैंने सोचा आप सबके सामने शेयर करूं। तो चलिए, वो पत्रकार है रामधनी द्विवेदी। रामधनी द्विवेदी ने एक टॉपिक पर जाकर के अपने मोबाइल से कैसे शूट किया है और वो क्या कहना चाह रहे हैं उसको हम समझते हैं। आम आदमी की फोटो खिंचाने को लेकर के और अपनी इमेज को लेकर के कितनी सतर्कता रहती है, ये मुझे उस दिन पता चला। दरअसल हुआ ये कि जयपुर के नेहरू कला केंद्र में एक प्रदर्शनी लगी हुई थी। वो तिलोनिया के गांव के में कैसे महिलाओं को या वहां के पुरुषों को ट्रेनिंग दे करके प्रशिक्षित किया जा रहा है, उनको रोजी रोटी उपलब्ध कराई जा रही है, इस पर प्रदर्शनी लगी थी। वहाँ की महिलाएं अपने हाथ से सोलर लालटेन असेंबल करती हैं और उसकी मरम्मत भी कर लेती हैं। मैं वही प्रदर्शनी देखने गया था और संयोग से उसी गांव के आसपास की कुछ महिलाएं, या यूँ कहें कि बहुत सी महिलाएं कुछ पुरुषों के साथ वह प्रदर्शनी देखने आई थी। जयपुर के या राजस्थान के ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों का जो वस्त्र होता है, जो वेशभूषा होती है, बहुत ही आकर्षक, बहुत ही रंगीन और बहुत ही रोचक होती है। और उसमें सबसे जो इंटरेस्टिंग एक समय हुआ वो ये था कि तीन महिलाएं, जो मुझे लगा कि एक ही परिवार की थी और एक दूसरे को भाभी या नाम लेके बुला रही थी, मुझे लगा कि हो सकता है ननद भौजाई भी हो, और वो एक पोस्टर के सामने खड़ी थी। तो हम लोगों ने उनका फ़ोटो खींचना चाहा। जब वो फ़ोटो खींचते देखी तो अलर्ट हो गई और उन्होंने फ़ोटो खिंचाने में रुचि दिखानी शुरू कर दी। एक महिला जो ज़्यादा मुखर थी उसने ज़्यादा रुचि ली और फ़ोटो खींचने के बाद देखती थी कि फ़ोटो कैसी आई। पहले उसने अलग से खिंचवाया, फिर अपनी तीनों सहेलियों के साथ मिलकर के खिंचवाया। हम लोग बार बार फ़ोटो खींच रहे थे और वो फ़ोटो देख करके कह रही थी कि नहीं, ये तो अच्छा नहीं है, फिर खींचो। दोबारा खींचा गया, फिर देखी, और तीसरी बार खींचने के बाद उसको लगा कि नहीं, ये फ़ोटो अच्छी है। उसने कहा हाँ, इसमें मेरा दांत नहीं आया। दरअसल वो महिला लगभग 70-80 साल के आसपास की थी और उसके मुंह में सिर्फ एक दांत था जो बाहर निकला हुआ था। वह चाहती थी कि फ़ोटो में उसका वह दांत न दिखाई दे। मैं उस ग्रामीण महिला का फ़ोटो कॉन्शसनेस देख करके बहुत प्रभावित हुआ कि वह अपने चेहरे को सुंदर दिखाना चाहती थी और ये चाहती थी कि उसकी फ़ोटो में दांत न दिखाई दे। अन्य महिलाएं भी उसके साथ की वो समझ रही थी और वह बार बार जब फ़ोटो देखती थी तो वो नाखुश हो जाती थी, एक फ़ोटो उसकी मनपसंद थी। उस झुंड की महिलाएं और भी घूम घूम करके प्रदर्शनी देख रही थी और वहाँ आजमगढ़ कठपुतलियाँ रखी हुई थी, उनके साथ भी फ़ोटो खिंचा रही थी। एक चीज़ मैंने देखी कि शहर के लोगों में या अन्य लोगों में वो जब उनकी फ़ोटो खींची जाती है तो सचेत हो जाते हैं और पोज देने लगते हैं, लेकिन वो महिलाएं पोज नहीं दे रही थी, बहुत ही रुचि से हम लोगों को फ़ोटो खींचते देख रही थी और खिंचा भी रही थी। और वह थोड़े समय का मौका था जिसको हम लोगों ने बहुत ही इन्जॉय किया और फ़ोटो खींची। और चूँकि उनके पास फ़ोटो भेजने की कोई हमारे पास सिस्टम नहीं था, इसलिए फ़ोटो उनको तो नहीं दिखाया जा सका, लेकिन मोबाइल में देख के बहुत खुशी।